एमपी की सबसे चर्चित लोकसभा सीटों की बात करें और इसमें सागर का नाम शामिल ना हो, ये कैसे हो सकता है? सूबे की चर्चित लोकसभा सीटों में से एक सागर में इस बार मुकाबला कांटे का होने की उम्मीद है। यहां बीजेपी की लता वानखेड़े के सामने कांग्रेस के चंद्रभूषण सिंह उंदेला उर्फ गुड्डू राजा मैदान में हैं। चलिए अब इस सीट का सियासी समीकरण भी जान लेते हैं। बीजेपी की बात करें तो लता वानखेड़े को प्रधानमंत्री मोदी राम मंदिर से एक मजबूत सहारा मिलेगा। सागर लोकसभा सीट 1996 से बीजेपी के कब्जे में है। पिछले लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी ने यहां 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की थी। बीजेपी प्रत्याशी लता वानखेड़े को संगठन और सरकार का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। वो खुद भी पार्टी के कई बड़े पदों पर रह चुकी हैं। इसके साथ ही लता वानखेड़े स्थानीय प्रत्याशी हैं, जो उनके लिए प्लस पॉइंट है। सागर सीट पर महिला वोटर्स की संख्या करीब 8.25 लाख से भी ज्यादा है, जिसका पूरा फायदा लता वानखेड़े को मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि मौजूदा सांसद राज बहादुर सिंह की जगह लता वानखेड़े को मौका देना बीजेपी को भारी पड़ सकता है। राज बहादुर सिंह का टिकट कटने से क्षत्रिय समाज के लोगों में उपजी नाराजगी का फायदा कांग्रेस प्रत्याशी गुड्डू राजा को भी मिल सकता है। कांग्रेस प्रत्याशी अपने प्रचार अभियान में विकसित सागर का मुद्दा भी उठा रहे हैं। हालांकि गुड्डू राजा को बाहरी कैंडिडेट होने का विरोध झेलना पड़ रहा है। इसके अलावा मोदी लहर भी इस सीट पर कांग्रेस को भारी पड़ सकती है। बहरहाल 28 सालों से जीत का स्वाद चख रही बीजेपी का पलड़ा इस बार भी मजबूत नजर आ रहा है। चुनावी संग्राम की आबो हवा भी बीजेपी की ओर बह रही है। हालांकि कुछ स्थानीय फैक्टर कांग्रेस को अपना वजूद भी बनाए रखने की ताकत का एहसास जरूर करा रही है। कुल मिलाकर सागर का ये मुकाबला क्षेत्रीय बनाम स्थानीय होने की उम्मीद है। यदि आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। आप हमारे WhatsApp चैनल बर्सल न्यूज को फॉलो कर हर दिन लाइव अपडेट्स भी पा सकते हैं।